Hello guys, welcome to the Python programming by Ears Learning. In this video, I will tell to you how to design C shape in a hash form. So let's go. So guys, हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे, एक फाइल क्रिएट कर लेंगे. आप अपना विंडोज़ में भी ऐसा ही कर लीजिए. आप विंडोज़ यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, प्रोग्राम सेम रहेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, है कि नहीं. सो कोड लिखेंगे, फोर रो इन रेंज 7 कॉलम 4 कॉलम इन रेंज 5. नाउ इफ लूप यूज करेंगे, कॉलम इक्वल टू 0 और रो इक्वल टू 0 और रो इक्वल टू 6. मैं आपको बोलूँगा, लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्यों हम रो इक्वल टू 0 डाले हैं, क्यों रो इक्वल टू 6 यूज किए हैं. ओके गाइस, एंड कॉलम लेस देन 0 इज टू नाउ. अब इसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे. अगर ये राइट है तो प्रिंट होगा, तो प्रिंट में आप एग्जीक्यूट होगा जो भी आपका आउटपुट है. हैच एंड स्ट्रिंग यूज करेंगे. आपको पता है एंड स्ट्रिंग क्यों यूज किया जाता है. अब मैं एंड स्ट्रिंग के बारे में अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आप मेरा पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं. अगर ये इफ लूप एंड होगा, ख़त्म होगा, तो हम फॉल्स होगा, तो ये एल्स पार्ट प्रिंट एंड स्ट्रिंग वाला यूज होगा. सो हो गया प्रोग्राम, कट करके सेव करके. नाउ पाइथन डॉट फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन फाइल. एक एरर है, सेव, गो टू टर्मिनल. सी गाइस, हैच सेव में सी ऑलरेडी, पर ये एकदम अच्छे से नहीं है डिज़ाइन हुआ, तो इसके लिए फिर से हम एक और दूसरा इसमें ऐड करेंगे. जो एक्स्ट्रा हैच वहाँ पर जो दिखा रहा है उसको मैं रिमूव करूँगा, जिससे अच्छे सी जो हमारा है जो अच्छे दिखने के लिए. सो एंड रो नॉट इक्वल टू 0 एंड रो नॉट इक्वल टू 6. क्यों कि हम यूज किए रो नॉट इक्वल टू 0 एंड रो नॉट इक्वल टू 6, मैं एक्सप्लेन करूँगा. पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ना तो आप कुछ नहीं समझ पाए. देखिए आप गाइस, ये कितना अच्छा सी प्रिंट हो चुका है पहले से, तो इसीलिए आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे वर्क किया. सो नाउ लेट्स गो. देखिए, फोर रो इन रेंज 7, तो कॉलम में मीन्स रो है 7 0 1 2 3 4 5 6. आउटपुट आप देख सकते हैं. नाउ कम टू द रेंज 4 5, तो ये 5 है कॉलम 0 1 2 3 4. ओके गाइस, सो मैं प्रिंट किया हूँ यहाँ पर कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम इक्वल टू 0. देखिए पहले ये इफ स्टेटमेंट है, इसमें दो कंडीशन है, एक कॉलम के लिए, एक है रो के लिए, राइट गाइस. तो कॉलम इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट किया हूँ. देखिए प्रिंट कॉलम इक्वल टू 0, ये जितना है ये हो गया. अब रो इक्वल टू 0, रो इक्वल टू 6, तो रो में देखिए रो इक्वल टू 0, तो ये है रो इक्वल टू 0, ये रो में है.
राइट। नाउ कम टू रो इक्वल टू सिक्स, ये देखिए लास्ट लाइन आउटपुट में रो इक्वल टू सिक्स, बस इतना डिज़ाइन करना है, इसलिए मैं ये कोड लिखा हूँ। ओके गाइस, एक कॉलम ग्रेटर देन जीरो है से इसके लिए है, कॉलम जीरो टू से ये पूरा प्रिंट करेगा। ओके गाइस, नाउ अगर ये इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं ये प्रिंट यूज होगा, अगर एरर है फॉल्स है तो ये प्रिंट एंड स्ट्रिंग यूज होगा। सो गाइस, ये अगर ये कोड आप यूज करेंगे तो ये पूरा ऐसा ही फॉर्म में डिस्प्ले होगा, तो ये प्रॉपर सी नहीं लग रहा है, तो कुछ जैसे हम प्रीवियस बी हम सेप यूज किए थे, कुछ हैच रिमूव किए थे, ऐसा ही इसमें भी हम हैच रिमूव करेंगे। ये देखिए ये हैच रिमूव करना है एक लास्ट वाला सिक्स में, देखिए अब देखिए गाइस कितना अच्छा सी लग रहा है प्रॉपर, राइट। इसके लिए रिमूव करने के लिए फिर से वहीं पर हम अगर रो में हम रिमूव किए हैं तो रो नॉट इक्वल टू जीरो यूज करेंगे, आ सिक्स में एक किए हैं तो रो नॉट इक्वल टू सिक्स यूज करेंगे कोड। सो रो नॉट इक्वल टू जीरो एंड रो नॉट इक्वल टू सिक्स, वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से हैच। ओके गाइस, मतलब प्रॉपर आपको दिख सकता है, मतलब अच्छे से डिज़ाइन हुआ हुआ सी। नाउ सेव कीजिए, रन कीजिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।